नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, काफ़ी समय से आपकी डिमांड थी कि सोयाबीन और सरसों का नया क्या ट्रेंड आ रहा है, आगे आने वाले मई जून, मई तो चल ही रहा है, जून में क्या स्थिति बन रही है। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो बजरंग जी, अभी काफ़ी समय से सोयाबीन के भाव ऊपर भी आ गए हैं और अब उम्मीद क्या लग रही है, कितना ऊपर आ सकते हैं भाव आगामी जून तक, क्या संभावना बन रही है? सबसे बड़ी बात है कि सोयाबीन के बाजार इस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अभी इस बार क्या है कि फार्मर्स भी धीरे धीरे मतलब हतोत्साहित हुआ है सोयाबीन को रखने के लिए। तो जो माल अभी मंडियों में कंटिन्यूस आ रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि किसान खाली हो रहा है। किसान का खाली होने से ये आगे भविष्य में हमको, मेरे को लगता नहीं है कि बाजार मंदे रहेंगे, मतलब इस पॉइंट से बाजार में कुछ न कुछ इजाफा होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट भी इस पर सिंसियरली विचार कर रही है, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून के बाद इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, या तो एक तो ड्यूटी के रूप में भी हो सकता है और कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट DOC को प्रोत्साहन देने के हिसाब से इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल क्या है कि DOC का कंजप्शन कुछ तो DDGS की वजह से ख़त्म हो गया, जो इथेनॉल के जो प्लांट आ रहे हैं, और आप एक चीज़ ज़रूर मान के चलें कि आपको अल्टीमेटली फॉरेन के मार्केट के साथ मैच करके ही चलना पड़ेगा। आप अब ये सोचें कि भाई कि अपन अपना इंडिपेंडेंट बाज़ार खींच के ले जाएँ, तो वो स्थिति नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप इसमें नहीं कर सकते। बड़ी तेज़ी की उम्मीद तो ये है कि कोई प्राकृतिक विपदा ही आ जाए, अपने आ जाए, बाहर भी आ जाए, प्लस लोगों का थोड़ा रुझान ही कम हो जाए जिस टाइम पे सोयाबीन, क्योंकि अभी जो मेरे को लग रहा है ना कि धीरे धीरे लोगों का सोयाबीन से मन हटता जा रहा है। जैसे कई एरिया में अपन चलें, जैसे इटारसी भोपाल वगैरह साइड पे, तो सब लोग राइस पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, कुछ जगह मक्का पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि मालवा एक एरिया ऐसा है कि वो सोयाबीन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत सोयाबीन है, बाकी अदरवाइज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सोयाबीन का एरिया कम होता हुआ चला जाएगा। तो सोयाबीन का जो है आपका कैरी फॉरवर्ड कितना है और कितनी क्रशिंग हो गई, इस समय क्या स्थिति है? अभी की स्थिति के हिसाब से तो जो सोपा ने भी डेटा दिए हैं उस हिसाब से तो उन्होंने टोटल 142 लाख टन यूज फॉर मतलब क्रशिंग रखा है, जिसमें उन लोगों ने रखा है कि भाई 11 लाख टन कैरी ओवर होगा आपका, जबकि मेरे को लगता है कि कैरी ओवर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि कई जगह जहाँ मजबूत हाथों में है सोयाबीन, क्योंकि कुछ सोयाबीन तब निकलेगी जिस टाइम पर बरसात कैसी होती है, अगली क्रॉप किस तरह की आएगी उस हिसाब से। तो अगर अभी तक के डेटा के हिसाब से देखें तो फार्मर्स और इसके पास प्लांट वालों के पास माल 55 लाख टन है, पिछले साल के मुकाबले कम है। वो तब माना गया है कि जब इन लोगों ने माना गया है कि भाई 11 लाख टन इसमें से कैरी ओवर होगा। अगर ये कैरी ओवर बढ़ता है तो क्रशिंग के लिए थोड़ी सी सोयाबीन कम रहेगी, तो उस हिसाब से भी बाज़ार का मूवमेंट थोड़ा सा प्लस हो सकता है। तो पहले अभी जैसे अपन बात करें कि अप्रैल से अभी तक कितने भाव ऊपर आ चुके हैं और क्या इसका चल रहा है? बीच में तो भाव नीचे में तो अपने 4500 के लगभग आ चुके थे, 4500-4500, उसके बाद 4850 तक भी भाव गए थे, अभी वापस 4700 रुपये के लगभग हैं। मतलब फ्लक्चुएशन कुल मिला करके ये है कि सब कुछ मार्केट बाहर से गवर्न हो रहा है। बाहर अगर मान लो लगता है कि मंदी आ रही है, शिकागो माइनस हो गया तो यहाँ तुरंत माइनस हो जाता है, बाहर अगर प्लस होता है तो थोड़ा बहुत प्लस हो जाता है। बाकी डिमांड का बहुत तेज़ी से अभाव है, और विशेष करके नॉर्मल DOC में, क्योंकि नॉर्मल DOC में जनरली जो डिमांड है वो कुछ तो DDGS पे शिफ्ट होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 तरह की मुर्गियाँ होती है, कि एक तो अंडे देने वाली मुर्गी, तो अंडे देने वाली मुर्गी तो सारा DDGS पे शिफ्ट हो गया, और जो मुर्गी का जिसका वजन बढ़ाना रहता है वहाँ पर सोया रही है। बाकी सोया का निस्तारण जब तक एक्सपोर्ट नहीं हो तब तक एक्चुअल में निस्तारण नहीं हो सकता। तो अभी बीच में तो रिपोर्ट आई थी कि सोयाबीन का जो DOC वगैरह है उसका एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। हाँ, एक्सपोर्ट हुआ ना, एक्सपोर्ट तो अभी पिछले साल के मुकाबले है ही सही, जो भी डेटा दिए गए हैं कि जैसे पिछले साल के मुकाबले, जैसे पिछले साल 17 लाख टन था, इस साल 18 लाख टन है, एक्सपोर्ट तो बीच में हुआ था, और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कर दे तो एक्सपोर्ट अपने आप हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भाव और भी बढ़ सकते हैं, भाव बढ़ सकते हैं बिल्कुल। अभी क्या उम्मीद लगती है जून तक कितने रुपये ऊपर आ सकते हैं? जून तक मेरा ध्यान 5000 रुपये का तो पक्का है। अच्छा,
अभी वर्ल्ड की जो सोयाबीन के प्रोडक्शन की रिपोर्ट आ रही है उसमें क्या लग रहा है? वर्ल्ड में तो सोयाबीन की स्टॉक बड़ी कंफ्यूजन की है, जबकि अर्जेंटीना वगैरह अपने ब्राजील, हाँ उस दर की रिपोर्ट जो आई थी उसमें कह रहे थे कि भाई ब्राजील वगैरह में क्रॉप को इतना नुकसान वगैरह है, तो उधर अपने अमेरिका में रिकवरी ठीक है और ब्राजील में भी कुछ एरियो में रिकवरी ठीक है, तो कुल मिला करके वो न्यूट्रल रिपोर्ट मान सकते हो आप। उसने तो बल्कि टोटल थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा बताया, एंडिंग स्टॉक जो है ना मतलब पिछले बार के मुकाबले ज़्यादा बताया है कि सोयाबीन का वर्ल्ड लेवल पे अगर अपन देखें तो। अब ये सब चीज़ें कैसा गेम अलग टाइप के हैं दिनेश जी, इसमें आप और हम लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, जबकि कायदे से देखा जाए। हाँ बस हाँ, अब किसके हाथ में बाजार है उस पे ऊपर डिपेंड करता है, अगर मंदड़ियों के हाथ में है तो उसको तोड़ेंगे, और अगर तेजड़ियों के हाथ में तो उसमें कई चीज़ें प्लस कर सकते हैं। अभी उस जगह की रिपोर्ट आने के पहले लोगों ने बाजार को इस तरह से तोड़ा कि मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस तरह से उन लोगों ने बाजार तोड़ा, ये तो बाजार अच्छे खासे चल रहे थे हिंदुस्तान। और एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लो, डिमांड तभी मिलेगी जब बाजार कंटिन्यूस थोड़ा बहुत चलेगा और वहाँ पर स्थिर रहेगा। अभी स्थिति क्या हो रही है कि बाजार चला थोड़ा टाइम, दो दिन स्थिर रहा, उसके बाद वापस नीचे आ गया, जैसे बड़ा 150 रुपये बढ़ गया, 150 रुपये वापस आ गया, तो गया। लोगों का मनोबल वैसे टूट गया, फिर लोग बात कहते हैं रुकता है कि भाई कि ठीक है उसके बाद दे लेंगे, अपने क्या फर्क पड़ना है, दो दिन रुक के लेंगे, चार दिन रुक के लेंगे। तो आप तो सरसों का भी बिजनेस देखते हो, अब सरसों की क्या रिपोर्ट आ रही है? इस समय सरसों का भविष्य तभी ठीक हो सकता है जब इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगे और DOC पे थोड़ी बहुत इंसेंटिव मिले, तो सरसों, अदरवाइज सरसों इसी के आसपास चलती रहेगी। सरसों के भी भाव अभी 5,000 के आसपास आ गए। हाँ, 5,000 के आसपास मंडियाँ हैं, काफ़ी नीचे नीचे चले थे, 5,000 के आसपास के भाव ये चलते रहेंगे, इसमें 100-200 रुपये का इजाफा, अगर ड्यूटी लगेगी तो ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा, मतलब ये भी समर्थन मूल्य के आसपास जा सकती है सरसों। सरसों की क्रशिंग और कैरी फॉरवर्ड की क्या स्थिति है अभी? उसमें भी माल दोनों में ही है, दोनों में ही है। हाँ, क्रशिंग उतनी बढ़िया नहीं हो पा रही क्योंकि अभी मैच सीजन जो था इसमें करीबन 40-45% मिलें बंद हैं, तो जो क्रशिंग का लेवल होना चाहिए था उतना बढ़िया लेवल है नहीं। दूसरा फिर सरसों का तेल जो रिफाइंड में जाना चाहिए था वो गया ही नहीं बिल्कुल इस साल, तो कुल मिलाकर के सरसों का भार तो रहेगा। ये तो इसका निस्तारण तभी हो सकता है जब इम्पोर्ट ड्यूटी इस पर लागू हो, तो अपने आप इसका निस्तारण हो जाएगा। तो ट्रेडर्स के लिए और किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? मैसेज हमारा तो ये है कि 4 जून को अगर जो भी रिजल्ट्स रहते हैं उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन ले कि एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए तेल पे और दूसरा DOC पे इंसेंटिव प्रोवाइड करें, तब जाकर के जब तक हाँ जब भी बाजार सुधरेंगे, गवर्नमेंट के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बाद तो दोनों को ही फायदा रहेगा, ट्रेडर्स को भी रहेगा और किसान को भी रहेगा। तो अब जैसे अब सोयाबीन का दिन पे दिन उत्पादन कम हो रहा है, तो फिर भी तो प्लांट नए नए आ रहे हैं, आप भी एक नए प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों होता है साहब कि नए प्लांट तो सब लोग आशावादी दृष्टिकोण से चलते हैं कि भाई आज पड़ता नहीं आएगा, क्योंकि कोई इंडस्ट्री खत्म तो होती नहीं है, तो जैसे आज पड़ता नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, इस तरह से उस सोच के हिसाब से चलते हैं। फिर क्या है कि टेक्निकली अपग्रेडेशन भी बहुत आ चुके हैं प्लांटों में, तो अपने आप को भी टाइमली अपडेटेड करते हुए वैल्यू एडेड के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया, और धीरे धीरे अगर माने तो मेरा तो ये कि मिशन जो होना चाहिए ना, भी अपना सबसे सस्ता प्रोटीन आपका सोया का है, आज अपना इसका 95% प्रोटीन की जो कीमत है वो 300 रुपये किलो है, जबकि दूध है, दूध का जो मिल्क प्रोटीन होता है 35% प्रोटीन है, उसकी कीमत आपके 300 रुपये है। तो भविष्य में धीरे धीरे अगर अपन चाहें लोग बाग थोड़ी जागरूकता बढ़ाएं, तो हिंदुस्तान में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत तकड़ी है, इसको अगर एडिबल के रूप में जितना ज़्यादा उपयोग किया जा सके सोया का, तो सोया का फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा, थोड़ा इस पर वर्क होना चाहिए। सोया के बाई प्रोडक्ट आप हाँ तैयार भी करते हो, सेल भी करते हो? हाँ, सेल भी करते हैं। हाँ, बाकी अभी तो इतना मार्केटिंग में नहीं है, बाकी अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हम लोग, करीबन 13-14 कंट्री में सोया प्रोटीन आइसोलेट बना के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसके जो बाय प्रोडक्ट है इसकी डिमांड क्या फॉरेन में ज़्यादा है? नहीं, फॉरेन में है ना, फॉरेन वाले अपने मुकाबले ज़्यादा जागरूक हैं, तो वहाँ पर लेते हैं लोग बाग, बल्कि अपने देश की सोयाबीन के साथ तो अगर लोग बाग थोड़ा सा इस पर R&D करें, मतलब थोड़ा सा इसको क्रॉस करें, तो अपने non-GMO सीड है ये अपने, तो इसलिए भी इसका मार्केट बहुत अच्छा बन सकता है। तो जो विदेशी सोयाबीन है और इंडिया की जो सोयाबीन है उसमें तेल की मात्रा दोनों में किस में ज़्यादा होती है? उधर तेल की मात्रा तो फॉरेन वाली सोयाबीन में 1-8% ज़्यादा रहती है। अच्छा, बाकी वो जेनेटिक है, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है, तो उसके मुकाबले जो पौष्टिकता का जो प्रश्न है वो अपने यहाँ की सोयाबीन में ज़्यादा है, सोयाबीन में है वो। आप भविष्य में अपने को फूड में इसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में बढ़ाएं, चाहे आटे के साथ पीसें, चाहे प्रोटीन के जो पाउडर्स हैं वो बने, प्रोटीन शेक बने करें, तो उसके हिसाब से अपने को इसका उपयोग
फीड इंडस्ट्री की बजाय फूड इंडस्ट्री पे बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन ये मान के चलें कि सरसों के भाव 5,000 तक बने रहेंगे, इसके आसपास ही चलेंगे। हाँ आसपास। और सोयाबीन के भाव अपन किस स्तर पे मान के चलें? भाई सोयाबीन का मेरा तो ये मानना बहुत स्पष्ट है कि भाई कि 5,000 रुपये जल्दी आ सकती है कभी भी। थोड़ा सा एक झटके की थोड़े सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा बाकी मतलब हाँ बाकी इस भाव से मंदा नहीं जाएगा। ये अपना बिल्कुल वर्तमान वर्तमान है, कोई कुछ भी कहे कितना भी कहे इससे नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये थी सरसों और सोयाबीन की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जानकारी देने के लिए बजरंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।